दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय दिल्ली में ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे। दरअसल ओखला लैंडफिल साइट पर अब भी लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कचरा बचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मई 2024 तक कूड़े को इस पहाड़ को खत्म करने का टारगेट रखा है। न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा की ये रिपोर्ट देखिए। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था दिल्ली में कूड़े का ढेर, और ऐसे में कूड़े के ढेर को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है बेशक एमसीडी में चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा यहां पर आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है वो ये है कि जल्द से जल्द दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े का ढेर ओखला में है उसको ख़त्म किया जाए। बेशक जो ये डिपार्टमेंट है वो एमसीडी के अंतर्गत है, लेकिन इससे पहले सिसोदिया कई बार यहां पर आके मुआयना कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया है उसके बाद से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे। उन्होंने मुआयना किया कि किस तरीके से यहां पर काम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने यह भरोसा दिलाया था कि अगर एमसीडी में वो आते हैं तो जल्द से जल्द यहां से कूड़े के ढेर को खत्म किया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने जायजा लिए, उन्होंने ये कहा कि इस साल के आखिरी तक जो ओखला में ये कूड़े का ढेर है उसको ख़त्म कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो भी जो कूड़ा है वो उठाकर जो है गाजीपुर और भलसवा डेयरी में रखा जा रहा है, लेकिन ये कहा गया है कि समय के साथ जो है वो दोनों भी लैंडफिल को हटा लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर रोज़ाना 4000 मेट्रिक टन जो है कूड़ा वो हटाया जा रहा है, जो कि अभी कैपेसिटी में काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 15000 मेट्रिक टन किया जाएगा। ऐसे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को साफ भरोसा दिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे उसकी तरफ कवायद शुरू हो चुकी है, और कोशिश यही है कि अगले साल 2024 के दिसंबर तक तीनों कूड़े के ढेर को खत्म कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। हमारे पीछे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है आप लोग देख रहे हैं, और लगभग 26 साल पहले ये कूड़े का 26 साल से बन रहा कूड़े का पहाड़, 26 साल पहले बनना शुरू हुआ था ये लैंडफिल साइट, जब से कूड़ा दिल्ली का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। आज की डेट में इस पे लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। 2019 से यहाँ पे कूड़ा उठना धीरे धीरे चालू हुआ था, अभी तक यहाँ से 20-25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लेकिन 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर दें। यहाँ पे कूड़ा जो खोद के निकालने का, बायो माइनिंग जिसे कहते हैं, खोदने की कैपेसिटी तो बहुत है, 17000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ से खोद के कूड़ा बाहर डिस्पोज करने की कैपेसिटी अभी कम है। मतलब यहाँ से कूड़ा खोदेंगे तो उसको बाहर कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना। तो तीन तरह के कूड़े होते हैं, एक CND वेस्ट कहते हैं, एक RDF कहते हैं और एक इनर्ट कहते हैं। तो अभी कूड़े को डिस्पोज करने की कैपेसिटी केवल 4-4.5 हज़ार टन की है, जिसकी वजह से अभी 17000 टन कूड़ा हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी डेली 4-4.5 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा ही यहां से निकल के डिस्पोज हो पा रहा है। अभी सबने मुझे बताया गया कि 1 अप्रैल से हम इसको लगभग 10000 मीट्रिक टन डेली का कूड़ा डिस्पोज कर पाएंगे। 1 अप्रैल को मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए, और उम्मीद है कि 1 जून से यहाँ पे हम लोग 15000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली डिस्पोज कर पाएंगे। अगर 15000 मीट्रिक टन डेली डिस्पोज कर पाते हैं तो मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक हम अपना टारगेट, इस कूड़े को साफ़ करने का टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे, और यहाँ पे आसपास के लोगों को भी यहाँ से निजात मिलेगी। यहाँ पे एक बार जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पे प्लान है, एक तो यहाँ पे CND वेस्ट का बहुत बड़ा प्लांट, ब्रिक्स बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, और दूसरा एक क्या प्लान था, बायोमेथेनेशन का प्लांट, वो लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा।
तो इसी तरह से बाकी दोनों गाजीपुर और भलसवा में भी काम चल रहा है। वहाँ पे अगले 2-3 दिन में जब जाएंगे तो वहाँ का जायजा आप सब लोगों के सामने लेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछे, राजनीति आज नहीं। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, चिंता मत करो। सर वैकल्पिक इंतजाम क्या है, अगर कूड़ा यहाँ नहीं डलेगा तो उसका क्या इंतजाम है, कहाँ पे डाला जाएगा? अभी फिलहाल गाजीपुर मौजूदा कूड़ा जो निकल रहा है दिल्ली का, वो वैसे तो कई सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बिजली बनाने के लिए बन गए हैं लेकिन